हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत मिश्र केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। केवी क्लासेस वेबसाइट जो लगातार आपके बीच ढेर सारी स्टडी मटेरियल्स को साझा करते आ रही है, आज हम इस कड़ी में आरपीएफ 2013 के जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी आरपीएफ के जो एग्ज़ाम वैकेंसी निकली हुई है वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह के जीके क्वेश्चंस आ रहे हैं आरपीएफ में। दोस्तों, अगर आपने हमारे केवी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लें, और इसके पीडीएफ फाइल जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वहां से आप लोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? ये साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने अपने सबसे पहले दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। इसकी स्थापना 1917 में गांधी जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस शहर में घटी थी? ये अमृतसर है। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को भीषण नरसंहार हुआ था जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह है, भगत सिंह जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये सिंध नदी है जो अरब सागर में गिरती है, सिंध नदी। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, झूम क्या है? झूम एक प्रकार की खेती है जो उत्तर पूर्वी भारत में की जा रही होती है, आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती को की जा रही होती है, झूम कृषि। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का हृदय निम्न में से किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय कहा है, ये अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये अनुच्छेद 356 के तहत, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो चुकी है, ऐसे में राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति राज्य में 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति शासन का को लगाती है। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? ये विनोबा भावे हैं जिसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि होती है, ये 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होती है और इसकी समाप्ति 31 मार्च को होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक प्राइवेट सेक्टर का है? प्राइवेट सेक्टर का बैंक यहाँ पे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो यूटीआई है, यूटीआई ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करना किसका काम है? ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है, सुपरसैनिक वायुयान जो होती है इसकी ध्वनि की चाल से भी अधिक इसकी गति होती है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ये प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट, शुद्ध सोना की माप होती है 24 कैरेट के द्वारा, जबकि आभूषण बनाने के लिए 75% सोना यानी कि 18 कैरेट के सोना का यूज किया जा रहा होता है। नेक्स्ट, 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ये नई दिल्ली था हमारा कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम जहाँ पे नई दिल्ली ने सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों में 101 सर्वाधिक पदक जीते थे। वर्तमान में जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहे थे, कुल मिलाकर के 66 पदक जिसमें 20 पदक जीते थे जिसमें से 20 स्वर्ण पदक थे, इसके अलावा 26 कांस्य और 26 रजत पदक के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहे थे राष्ट्रमंडल खेलों में इस बार की। नेक्स्ट, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कोच बॉब ब्लूमर का जन्म किस शहर में हुआ? ये ऑप्शन कानपुर बी में है, कानपुर में ये क्रिकेट टीम के पूर्व कोच जो बॉब ब्लूमर हैं इसका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पे दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सबसे पहले सारनाथ में दिया था और इसकी जो उपदेश की भाषा थी वो पाली भाषा में दिया गया था सबसे पहला उपदेश। नेक्स्ट, चीनी यात्री वेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ये चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट, खालसा पंथ के संस्थापक, खालसा पंथ के संस्थापक थे ये गुरु तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर
खालसा पंथ के संस्थापक थे। इसके अलावा जो सिख धर्म के संस्थापक थे ये गुरु गोविंद सिंह थे, जिसका जन्म 1666 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान और फ्रेंच के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट आर्य नेक्स्ट ये थी नेक्स्ट प्रशासकीय नीति का अंग निम्नलिखित में से कौन है? ये प्रशासनिक नीति का अंग दक्षता है। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश ने लिया? ये कनाडा है, कनाडा से ये प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से बहुत सारी बातों को समाहित की गई है, जहाँ यूएसए के द्वारा मौलिक अधिकार ली गई है, ग्रेट ब्रिटेन से एकल नागरिकता के बारे में बातें की गई है, रूस से मौलिक कर्तव्य के बारे में बातें की गई है। नेक्स्ट, वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति थे, ये अरुणा राय थी। अरुणा राय जो 2005 में सूचना का अधिकार आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो लागू की गई थी, इसके अग्रणी व्यक्ति अरुणा राय थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ये तमिलनाडु राज्य है, जहाँ पे लिंगानुपात 1000 से अधिक है, यानी कि 1000 पुरुष पर 1024 महिलाएं वहाँ पे है, 1024 महिलाएं। इसके अलावा जो सर्वाधिक लिंगानुपात का अनुपात सर्वाधिक हो रहा होगा, इसका अंतर ये हरियाणा राज्य है, जहाँ पे लगभग 840 के आसपास प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है, सबसे कम यहीं पे है। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष कितना रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है? ये 1 करोड़ रोजगार का सृजन करने का लक्ष्य को रखा गया है। नेक्स्ट, सहकारी शाखा व्यवस्था में जिला स्तरीय एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? ये राज्यपाल का शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। जिस किसी भी राज्य में राज्यपाल नियुक्त होते हैं, वहां के मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसकी नियुक्ति करवाते हैं। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे स्थित है? ये मसूरी में स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव अकादमी। नेक्स्ट, भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला न्यायाधीश के पद का सृजन कब किया गया था? ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद का सृजन 1792 ईस्वी में की गई थी, 1792 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेतन आयोग का गठन हाल ही में किया गया है? यह हाल ही में 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष अशोक माथुर रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है? ये मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होती है, इसका निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराई जा रही होती है। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसे पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। बहुत सारे बैंकों को मिलाकर के, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ स्वराष्ट्र को मिलाकर के ये इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। नेक्स्ट, पवन हंस क्या है? ये पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है, जो एक लोक उपक्रम को प्रदान कर रही होती है। हेलीकॉप्टर सेवा भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा को प्रोवाइड कर रही होती है, ये एक लोक उपक्रम है। नेक्स्ट, 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर में स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है? ये बंगलोर है। स्लम गंदी बस्तियों से संबंधित होती है, जहाँ पे कूड़े कचरे अधिक होते हैं, गंदगी, साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा होता है, तो ऐसे में बंगलोर है ये। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच में से 2 लोगों को मनोनीत करता है? ये एग्लो इंडियंस होते हैं, जहाँ पे लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, जबकि राज्यसभा में 12। ये ऐसे होते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में, खेल, शांति, इन सब सारे क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि को प्राप्त कर रहा होता है, उसे राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करती है तथा लोकसभा में 2 एग्लो इंडियंस की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कमीशन विनियोग आयोग के चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये आनंद महिंद्रा है, रतन टाटा है, रतन टाटा जो विनियोग आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस है, इन्फोसिस। नेक्स्ट, भारत में गरीबी रेखा के नीचे, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं? ये 13 पैरामीटर्स हैं, जो बीपीएल एपीएल से संबंधित बातें हैं, जहाँ पे बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन, एपीएल एबव द पॉवर्टी लाइन के बारे में बातें की गई है, जहाँ पे 13 अंकों के द्वारा, जहाँ पे मकान, रेडियो, टीवी, टेलीविजन उपकरण, इन सब सारी चीजों के कटअप्स होते हैं, कॉलम बने हुए होते हैं, जिसमें से 13 अंकों का निर्धारण पैरामीटर के द्वारा की जा रही होती है बीपीएल परिवारों के लिए। नेक्स्ट,
नेस्टॉक के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये उस टाइम के 2013 के करंट अफेयर से हैं, जिसके आंसर लक्ष्मी नारायण होंगे। ऑप्शन डी के हिसाब से लक्ष्मी नारायण नेस्टॉक के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नेस्टॉक के अध्यक्ष चेंज है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यह बदरुद्दीन तैयब जी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था? ये जतींद्र नाथ बंदोपाध्याय हैं। नेक्स्ट, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसे उप सौर के नाम से जानते हैं, तथा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर के नाम से जानते हैं, अपसौर तथा उपसौर। नेक्स्ट, मध्य रात्रि का सूर्य की परिस्थिति किस क्षेत्र में देखी जा सकती है? ये उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में देखी जा सकती है। नेक्स्ट, अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? ये अमेरिंद के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियंस भी कहा जाता है। इनमें से कौन से माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक था? ये नागार्जुन थे, नागार्जुन दर्शन माध्यमिका स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक भी रहा था। नेक्स्ट, प्रेमचंद्र का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है? ये सी ऑप्शंस के हिसाब से है, जहाँ पे 1, 2 तथा 4, जहाँ पे प्रेमाश्रय तथा 4 अध्याय और गोदान, ये सभी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ये ऑप्शंस डी है, जो नाम शूद्र आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये बंगाल क्षेत्र, जबकि ये कांस्य आंदोलन कर्नाटक से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अलावा जो जस्टिस आंदोलन उत्तरी भारत, ये भी गलत है। ऑप्शंस नाम शूद्र आंदोलन के द्वारा बंगाल क्षेत्र जुड़ा हुआ है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।